टी20 वर्ल्ड कप में हिटमैन रोहित छाए, एक ही पारी में 9-9 बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, कंगारू हो गए पानी पानी। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप में आखिरकार रोहित शर्मा का एक बार फिर पुराना आक्रामक अंदाज देखने को मिला, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन पारी खेली, उनकी ये पारी अब रिकॉर्ड्स बुक में भी अमर पारी बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी इस एक पारी के ही दम पर जहां ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के अरमानों को खत्म कर दिया, तो वहीं अपने नाम भी एक साथ कई रिकॉर्ड कर लिए। तो किस तरह से रोहित शर्मा की वो एक पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास रच चुकी है, कौन कौन से बनाए रोहित शर्मा ने इस पारी में रिकॉर्ड्स, चलिए अपनी रिपोर्ट में जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 41 गेंदों पर 92 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 7 चौके और 8 छक्के लगाए। रोहित की इसी पारी के दम पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 ओवरों में 5 विकेट पर 205 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने 206 रनों का टारगेट रखा। बाद में ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 24 रनों से हार गई। अब बात करते हैं रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स की। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि रोहित शर्मा ने इस मैच में अपने इंटरनेशनल टी20 करियर में 200 छक्के पूरे कर लिए। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी में 8 छक्के लगाए, अब उनके नाम इंटरनेशनल टी20 मैचों में 200 छक्के हो चुके हैं। अब उनके नाम इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में 203 छक्के हो चुके हैं, जो कि इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल आते हैं, जिनके नाम 173 छक्के हैं। अब बात करते हैं रोहित के दूसरे रिकॉर्ड की। तो दूसरा रिकॉर्ड क्या है, टी20 वर्ल्ड कप 2024 की फास्टेस्ट 50। रोहित ने अपनी पारी के दौरान सिर्फ 19 बॉलों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो कि मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक रहा। इससे पहले अमेरिका के एरन जोन्स ने इस वर्ल्ड कप में 22 गेंदों पर 50 बनाई थी, लेकिन रोहित ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर आ गए। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत से पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने 12 गेंदों पर, तो केएल राहुल ने 18 गेंदों पर हाफ सेंचुरी जड़ी थी, लेकिन अब रोहित शर्मा के नाम 19 गेंदों पर टी20 वर्ल्ड कप में तीसरी सबसे तेज हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड हो चुका है। अब बात करते हैं चौथे रिकॉर्ड की। तो चौथा रिकॉर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अब रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, और ऐसा करते हुए उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब रोहित शर्मा ने 132 छक्के लगाए हैं, और इस लिस्ट में उन्होंने क्रिस गेल के 130 छक्के के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यहां पर ये 132 छक्के रोहित शर्मा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में मिलाकर लगाए हैं। बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की। तो टी20 वर्ल्ड कप में अब रोहित शर्मा का जो 92 रनों का स्कोर है, वो एक कप्तान के तौर पर सबसे बड़ा स्कोर भी है। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में इससे पहले 2021 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 57 रनों की पारी खेली थी, जो कि एक कप्तान के तौर पर किसी भारतीय बल्लेबाज का टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर था, लेकिन अब रोहित के नाम ये रिकॉर्ड हो चुका है, 92 रन उनके नाम दर्ज हो चुके हैं। छठवां रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, और ऐसा करते हुए अब रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, और अब उन्होंने बाबर आजम के 4,145 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा के नाम 4,165 रन है। वैसे विराट कोहली भी इस लिस्ट में ज्यादा दूर नहीं है, जिनके नाम 4,103 रन है। अगले रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो अगला रिकॉर्ड क्या है, टी20 वर्ल्ड कप की मैच की पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय। जी हां, रोहित शर्मा के नाम एक टी20 वर्ल्ड कप के मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी हो चुका है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 छक्के लगाए, और ऐसा करते हुए उन्होंने युवराज सिंह का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। युवराज सिंह ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 7 छक्के लगाए थे। अब बात करते हैं आठवें रिकॉर्ड की। आठवां रिकॉर्ड क्या है, सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाले कप्तान के रिकॉर्ड की बराबरी। जी हां, रोहित शर्मा ने अब बतौर भारतीय कप्तान 48वां टी20 मैच जीता है, और ऐसा करते ही अब रोहित शर्मा सबसे ज्यादा टी20 मैच जिताने वाले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। अगर रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में एक भी और मैच जीत जाते हैं, तो ये रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। रोहित शर्मा ने 60 मैचों में टीम इंडिया के लिए कप्तानी की है, जिनमें से 48 मैच में भारत को जीत मिली है। और बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के नौवें रिकॉर्ड की।
नौवां रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा के नाम अब 19,000 रन पूरे हो चुके हैं और ऐसा करने वाले वो भारत के सिर्फ चौथे बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा से पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ही टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 19,000 रन पूरे कर पाए हैं।